तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आखिरी दिन है, सुबह 10 बजे से शुरू होगा बैठकों का दौर। दोपहर 12:30 बजे पीएम का संबोधन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की यह बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन का आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। प्रस्ताव में विपक्षी दलों की नकारात्मक और संकीर्ण राजनीति की आलोचना करते हुए 2 बार लगातार चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आने की बात कहते हुए उसे गरीब विरोधी और अस्थिरता की चुनिनी बताकर निशाना साधा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज भी बैठक होनी है राष्ट्रीय अधिवेशन की, और इसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है वो भी शामिल होंगे, क्या कुछ रह सकता है? माधुरी, पहले बात कर लेते हैं, संगमलाल गुप्ता है, बीजेपी सांसद हैं जी। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और करके दिखाया, अब तो आप लोगों का टारगेट भी है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि कार्यकर्ता घर तक जाएंगे। उसके बाद आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, विकास की बात हुई है, राम मंदिर की बात हुई है, किस तरीके से कमल खिलाना इस बार? देखिए, जिस तरीके से देश में उत्साह है लोगों में, क्योंकि 22 जनवरी को जिस तरीके से पूरा देश राममय हो गया था। और रही बात तैयारी की, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयारी करती है। निरंतर जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं तब यहाँ पूरा हो गया होता है। तो जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व, इस बार 370 और एनडीए 400 पार हम जीतने वाले हैं। आप खुद यूपी से आते हैं, यूपी में भी अब न्याय यात्रा चालू हो गई है, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और आप लोग का अधिवेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार टारगेट क्या होगा उत्तर प्रदेश को लेकर के? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी न्याय यात्रा करें कि भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत पहले से जुड़ा हुआ है और न्याय पहले से ही लोगों को मिल रही है। तो देखिए, संगमलाल गुप्ता कह रहे हैं कि न्याय यात्रा जो भी हो, पर यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें आएंगी। और जाहिर सी बात है माधुरी, की जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अपने संबोधन में कहा कि हमारा जो निशान होगा वो कमल का निशान होगा, जो अगर लोकसभा में जब हम जाएंगे तो एक ही जो वोट डलेगा वो कमल के निशान पर डलेगा। पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो देखने वाली होगी बात कि आखिर वो कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित करते हैं, खासतौर पर अगर सांसदों की बात की जाए या फिर जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन की पार्टी है, संगठन से ही सरकार चलती है, और संगठन आपका अगर मजबूत है तो आप जिले से लेकर और आप केंद्र से लेकर राज्य तक अपने जो मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है वो बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग को बैठना है। इससे पहले भी देखिए, जब पिछले साल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जो सांसद वो क्षेत्र में जाए, जनता से बात करें, जो कार्यकर्ता है उनके घरों में जाए, चाय पिए, जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करें। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं, और देखिए पूरा भारत मंडपम जो है वो बिल्कुल सज चुका है, और आज क्योंकि दूसरे दौर की बैठक है तो लगातार जो पदाधिकारी हैं वो आ रहे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जब आज गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे उसमें ये होगा कि विपक्षी पार्टियों को लेकर के आगे की रणनीति क्या होगी, आखिर किस तरीके से काउंटर करना है। क्योंकि 370 सीटें जो है माधुरी वो बीजेपी को अकेले लाने के लिए कहा गया है, और एनडीए 400 पार, तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी, किस तरीके से जो विपक्षी है उनको काउंटर अटैक किया जाएगा, उनके कामों को गिनाया जाएगा। हालांकि जो 10 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर भी देखिए एक बुकलेट जो है वो लॉन्च हुई है, उसमें बताया गया है कि हमने ये 10 काम किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, कोविड वैक्सीन हो या फिर जनधन अकाउंट हो, ये 10 ऐसे काम होंगे जो गिनवाए गए हैं उस बुकलेट में। तो जाहिर सी बात है जब ये धरातल पर जाएंगे, चाहे वो महिला की बात की हो, नारी शक्ति वंदन बिल की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि और क्या क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं कि आखिर किस तरीके से आपको जमीन पर जाना है, गाँव चलो अभियान जो चल रहा उस पर कैसे कमल के निशान को खिलाना है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि जब 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, उससे पहले देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पेश करेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव में लगातार बता रहा हूँ कि जो काउंटर अटैक होगा कि आखिर चाहे वो न्याय यात्रा हो या संदेश खाली हो, जिस तरीके से जो वहाँ घटना हो रही है उसको लेकर कि आखिर क्या रणनीति होगी पार्टी की, उस पर चर्चा होगी। जी दीपक, हम हमेशा देखते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीतियों में बदलाव करती है, क्योंकि इस बार बीजेपी ये नारा दे रही है कि इस बार एनडीए सरकार 400 पार। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसकी कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि देखिए आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल माधुरी, देखिए जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे और 3:30 बजे के करीब वो बैठक इसी भारत मंडपम में होगी, जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में बैठक होगी। और क्योंकि उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहा गया है कि वो मौजूद रहेंगे। आगे की रूपरेखा क्या होगी वो तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिए 24 घंटे चुनावी मूड में आती है, हालांकि अदर पार्टियों की बात की जाए तो वो अभी सोच रही होंगी, पर आप खुद सोचिए कि जैसे ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव खत्म हुए उसके बाद बीजेपी जो है वो लोकसभा की तैयारियों में लग गई। हारी हुई सीटें जो 200 पहले 160 थी उसको 240 में कन्वर्ट कर दिया गया, उन पर पहले से फोकस था। एक प्रभारी बना दिया गया कि जो कैबिनेट मंत्री होगा वो वहाँ पर देख रेख करेगा। एक अगर बात की जाए पूरे देश में तो करीब 200 से ज़्यादा क्लस्टर बांटे गए हैं। उसके बाद यूपी में देखिए 20 क्लस्टर हैं, जिसमें हर क्लस्टर में जैसे मान लीजिए कि 3 लोकसभा या 4 लोकसभा का एक क्लस्टर बनाया गया, वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जीत कर आना है। तो बीजेपी जो है वो लगातार, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो या फिर नगर निगम का हो या फिर कहा जाए लोकसभा या विधानसभा का हो, वो चुनावी मूड में लगती है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनकी कार्यशैली जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमने भी देखा है लगातार जिस तरीके से उनका जो बूथ लेवल पे जो जोर होता है, जो कभी भी वो कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर देते हैं पूछते हैं कि क्या हाल है, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह होता है कि हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार इस बार बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, आगे की रणनीति बीजेपी किस तरीके से तैयार करेगी, ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।